नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज से हाथरस की खबर। पुत्र वधु ने लगाया ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप। हाथरस में कलयुगी ससुर ने अपने पुत्र वधु को बनाया हवस का शिकार। मना करने के बावजूद भी कई बार की गई जबरदस्ती। कलयुगी ससुर यूपी के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र के हाथरस जनक्शन के एक गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से 5 साल पूर्व में पीड़ित की शादी हाथरस जनक्शन क्षेत्र के गांव में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद पीड़ित के कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया, फिर भी पीड़ित के कोई संतान नहीं हुई। इसी बात को लेकर पीड़ित पुत्र वधु के ससुर ने नजर बरसती कर गलत तरीके से दुष्कर्म किया। इस बात को पीड़ित ने अपने पति व ससुर को बताया। इस बात का किसी पर कोई असर नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। पीड़ित पुत्र वधु के ससुर ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़ित ने दुष्कर्म करने का विरोध किया तो उसको धमकाकर कहा कि तुझे घर से निकाल दिया जाएगा अगर तूने किसी से इस बारे में बताया। तो वही मौका पाकर अपने ससुराल से कुछ दिन पूर्व अपने मायके चली गई। मायके जाकर पीड़ित ने अपने साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में अपनी माँ व पिता को बताया। तो पीड़ित के पिता व माँ कोतवाली हाथरस जनक्शन पहुँचकर पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर लेकर रख ली पर कोई सुनवाई नहीं की। पीड़िता ने बड़ी उम्मीद के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय पहुँचकर पीड़ित ने अपनी बात लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश की एवं न्याय की गुहार में दर दर भटक रही पीड़िता। अब देखना यह होगा कि पीड़िता के साथ जो उसके ससुर व उसके पति व उसके सास ने ऐसा जघन अपराध किया है, कलयुगी ससुर ने रिश्ते को कलंकित किया है, अब न्यायालय ऐसे अपराधियों को क्या सजा देता है, क्या पीड़िता को न्यायालय से क्या न्याय मिलेगा। संवाददाता अनिल चौधरी, जनपद हाथरस। क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे ससुर 6 महीने शादी को हो गए थे, उसके बाद में मेरे साथ खाली कमरे में लेके मेरे साथ कई बार रेप किया था। मैंने अपने पति को बताया, उन्होंने अनसुनी कर दी थी। फिर सास को बताया। जैसे आप थाने गए थे तो थाने वालों ने नहीं सुना क्या हुआ? थाने वालों ने कुछ नहीं सुना था। क्या कह दिया थाने वालों ने? तो कुछ नहीं सुना उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था। तो फिर आप जो न्यायालय आए, न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो न्यायालय से न्यायालय का थाने में नहीं सुनवाई हुई, तब हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जैसे कि क्या घटनाक्रम रही आपके साथ में? जो मेरे साथ रेप किया गया था, मेरे ससुर ने खाली कमरे में कर ले जाके मेरे साथ कई बार रेप किया है। अच्छा, तो इसके बाद की आपके पति को जानकारी है? हाँ, पति को जानकारी थी। पति ने फिर घर से निकालने की कोशिश धमकी दी है। और माँ से जैसे बात अपनी सास को बताया, क्या कहा सास ने? सास ने कहा सुनी की थी, उन्होंने भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो मतलब बच्चा बच्चा नहीं है आपके पास? नहीं है, बच्चा नहीं है। तभी मेरे ससुर ने ऐसा काम किया। बच्चा नहीं है, इसी बात को लेकर? इसी बात को लेकर किया था। क्या कहते हैं ससुर जो बच्चा नहीं हो रहा है? शिवम ने तो बहुत जो मतलब दम अपनी वो कर ली, अब मैं देखता हूँ कैसे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, आपके ससुर ने कहा? हाँ। तो आपके साथ में कई बार उन्होंने गलत काम किया? ये बात भी सबको भी पता पड़ गई, उसके बाद में भी कई बार कर लिया बड़ा। तो फिर आप जो है इस मामले में आपने अपने परिवार वालों को बताया, तो क्या परिवार वालों आपकी सहायता सहयोग कर रहे हैं? तो आप न्यायालय आए यहाँ हाथरस?